जय गुरु। 31 दिसंबर 2020 322वां वर्चुअल ऋतिक सम्मेलन में आचार्य परम पूज्य श्री श्री दादा की स्पीच सुनते हैं। श्री दादा बोल रहे हैं, इस साल को व्यतीत कर हम लोग और एक साल में पदार्पण करने जा रहे हैं। इस मुहूर्त में मैं प्रत्येक के लिए परम पिता के रातुल चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों की आगामी दिन जिससे शांति स्वस्ति एवं अमृत से परिपूर्ण होकर हम लोग उन्नत जीवन यात्रा पर चलते रहें। एक कठिन दुस्समय में हम लोगों को यह साल व्यतीत करना पड़ा है। बहुत कम में ही छुटकारा मिला है और अनेक जीवन हानि हो सकती थी। परम पिता की अशेष करुणा के चलते ऐसा नहीं हुआ। इस प्रसंग में मैं ठाकुर की एक बात कहता हूँ। ठाकुर बोले हैं, रोगी से प्रेम करो, रोग से प्रेम नहीं करो। यथा योग्य शारीरिक दूरियाँ बनाए रखने से संक्रमित होने के डर से हम लोगों को बहुत रक्षा मिलेगा। लगता है हम लोग स्वयं की रक्षा के लिए अनेक समय उतना आग्रही नहीं रहते हैं जितना रहने की ज़रूरत है। आप लोग स्वयं से प्रेम करते हैं, अच्छा है। जहाँ प्राण का स्पंदन है उसी सत्ता से ही आप लोग प्रेम करें। वह चाहे किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति ही हो ना क्यों, किसी भी जाति का व्यक्ति हो ना क्यों, चाहे किसी भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति ही प्रत्येक के परम आत्मीय है। प्रत्येक में एक ही प्राण लीला कर रहा है। मान लीजिए संप्रदाय है, ये संप्रदाय एक महापुरुषों को केंद्र करके आवर्तित हो रहा है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वे सभी मनुष्य को ईश्वर की तरफ ही ले जाते हैं। एक ही प्रेरणा है, समय एवं प्रयोजन अनुजाई उन लोगों के उपदेश में कुछ पार्थक्य रह सकता है, परंतु एक ही ईश्वरीय प्रतिभा का स्फुरण उन लोगों में देखा जाता है। सभी ईश्वर के वरपुत्र है, हम लोग प्रोफेट कहते हैं। एक हिंदू, एक मुसलमान एवं एक ईसाई या बौद्ध में अंतर कहाँ है? कोई अंतर नहीं है। बुद्ध को जो लोग परम गुरु कहकर ग्रहण किए हैं ये लोग बौद्ध हैं। ईसा मसीह का जो मानते हैं वे लोग ईसाई है। यही अंतर है। इसके चलते लड़ाई झगड़ा मार काट स्वयं को ध्वंस करने की इतनी आकृति क्यों दिखाई पड़ती है? जय गुरु।